जो प्रॉपर्टी अभी हम यूज कर रहे थे उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो मैं देखूंगा कौन कितना फास्ट आंसर करता है। इफ 24 इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, देन कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट टर्म। अब ये चेक करना है कि कौन बच्चा कितना फास्ट बताता है, ये अभी उसी पे बेस्ड है जो अभी हम यूज कर रहे थे। एट। एट। गुड, इन्होंने बताया है 8। चलिए और कोई बच्चा? यस सर, 8। गुड, और कोई बच्चा? गुड, यस और कोई बच्चा? सर, 8। यस सर, 8। गुड, और कोई? गुड, जी किसने बताया 8? हाँ भाई, 8 किसने बताया? 8 किसने बताया था? नहीं सर, 8 नहीं है सर। तो फिर क्यों बोलते हो? सर मैंने एक ही वो चेक किया था सर, दूसरा मुझे चेक इससे करा क्या था। मतलब है? एग्जाम में भी इसी तरह से उलझोगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। इतना फास्ट फॉरवर्ड क्यों रहते हो? मैंने कल कहा था कि स्पीड सबसे ज्यादा परेशान करती है। स्पीड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्पीड कंट्रोल में नहीं है तो गाड़ी भी जाएगी और खुद भी जाओगे। ए नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट टर्म पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट टर्म ए माइनस डी होगा। पता नहीं क्यों जल्दी रहती है, एग्जाम में जीरो कर दोगे सारे के सारे। यस, हमारे पास क्या है, 24 इज डिवाइडेड इनटू थ्री सर, पार्ट्स। तो अगेन यहाँ पे आपको थ्री पार्ट्स लेने हैं, ए लेना है, ए प्लस डी लेना है और ए माइनस डी लेना है। ये तो बात सही है, और उनका सम दे दिया 24, तो 24 का आपने थ्री पार्ट्स में कर दिया, तो आपने डी कैंसिल कर दिया, ए और ए 3A हो गया, 3 से 24 कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू 8 आ गया। ये बात सही है, बट ए हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा ए माइनस डी है। ए इज द मिडिल टर्म, तो अगर ए हमारे पास है, अब आपसे कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 440, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, आप सुन आवाज लीजिए। जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी, सर अब आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ए आ गया 8, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, और आपको दिया हुआ है 440, तो इस 8 से कैंसिल करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो ए स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो 64 में से 55 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, तो डी स्क्वायर इज 9, आएगा। तो डी इज इक्वल टू 3। अगर 3 आप रखोगे तो आपके पास 8 आया, प्लस तो माइनस 8 माइनस 3, पहला 8 आया तो 8 माइनस 3 5। 5, 8 प्लस 3 11। ठीक है, यही टर्म्स होने हैं। अगर ये मिडिल टर्म 8 है तो 11 इधर हो सकता है, 5 इधर हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट टर्म, तो चाहे माइनस 3 कंसिडर करो या प्लस 3 कंसिडर करो, स्मॉलेस्ट टर्म इज 5। तो मेहरबानी करके स्पीड लाया करो, लेकिन स्पीड के साथ साथ कंट्रोल भी जरूरी। समझ में आ गया? नहीं आया? जी सर, यस आ सर। गया। 5 है। नहीं कहाँ 5 आया था? आप सब लोग तो 8 8 बैठ के हुए थे। सर, मेरा 5 आया।